मैं कंप्लेनिस आज आप लोगों को एक और होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस के बारे में बताएंगे। तो एसिड फॉस मेडिसिन बहुत बढ़िया मेडिसिन है, उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर आप मैं वीडियो देख रहे हैं तो बारीकी से अगर देख करके दवा भी चला सकते हैं। तो पहला तो ये जान जाए कि एसिड फॉस का पेशेंट कैसा हो। तो एसिड फॉस का पेशेंट वीक होता है, कमजोर होता है, उसके आंख के चारों तरफ काले काले घेरा बनाए हुए रहेगा, गाल चिपका चिपका सा रहेगा, वो एसिड फॉस का पेशेंट है। दूसरा चीज है कि एसिड फॉस के जो पेशेंट है वो कभी कभी शांत से बेटर रहेगा, लेकिन कभी कुछ बोले तो वो बहुत जल्दी हावड़ा जाता है, उस टाइप का पेशेंट जो है एसिड फॉस का पेशेंट। अगर उस टाइप का पेशेंट को अगर एसिड फॉस आप देखते हैं तो कुछ और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे अब कोई कॉलेज जा रहा है, जाने के बाद उसको तनाव हो गया है, सर में थोड़ा सा हेडेक लग रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, तो आप एसिड फॉस उसे 30 पावर में 2 उन सुबह और 2 उन शाम में बहुत बढ़िया है। अब किसी किसी को रात में पेशाब ज्यादा होने का शिकायत पेशेंट लोग बोलते हैं कि रात में पेशाब हो, दिन में कम रात में लेकिन ज्यादा होता है पेशाब, जैसे पेशेंट को और पेशेंट देखने में भी कमजोर हो, जब सारा सिम्टम होता है तो उसमें भी आप एसिड फॉस दे सकते हैं। तीसरा चीज है कि एसिड फॉस मेडिसिन हेयर लॉस में बहुत बेहतर काम करती है। पेशेंट वीक है, देखने में कमजोर है, और उसका बाल झड़ रहा है, समय के पहले बाल उजला हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को एसिड फॉस बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप 2 बजे सुबह 2 बजे दोपहर 2 बजे शाम 30 पावर में एक आध सप्ताह दें, बाल झड़ना उजला होना सब दूर हो जाता है। तीसरा चीज है कि एसिड फॉस का पेशेंट अनर्गल जैसे तनाव लेता रहता है, तनाव से उसे बीपी बढ़ रहा है, तनाव से उसका बीपी बढ़ रहा है, कुछ काम करने में वैसा बीपी हाई नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का बीपी बढ़ रहा है, और कुछ काम करने में वैसा नहीं हो रहा है, तो उसी पेशेंट को आप एसिड फॉस दवा 200 या 30 पावर में दे सकते हैं, एक खुराक ज़्यादा नहीं, उसे पेशेंट को एक खुराक दीजिए तो एसिड फॉस बहुत बढ़िया उसे पेशेंट में काम करती है। अब एसिड फॉस एक और बहुत बेहतर काम करती है सेक्स में। अब जो पेशेंट उसका जो पेशेंट है कमजोर हो गया है, लेकिन वो कमजोरी उसके वजह से मास्टरबेशन हस्त मैथुन के कारण वो कमजोर हो चुका है, गाल चिपक चुका है, अब बहुत सारा चीज को लेकर के सेक्स संबंध लेकर के परेशान है, उसे आप एसिड फॉस 200 पावर में सुबह शाम दें, बहुत ही बेटर काम करते हैं। अब जैसे कोई पेशेंट है कोई बीमारी से इतना वो कमजोर हो गया है कि स्ट्रेस भी रहता है, चलने फिरने में वो ऐसा नहीं, कई काम नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, कमजोरी में तो एसिड फॉस उसमें बहुत बेटर काम करते हैं। लेकिन मेरा वीडियो आज कर देखिएगा, मेनली माई पॉइंट ऑफ मेरा पॉइंट है इस एसिड फॉस को लेकर के, ऐसे हर एक ओपिनियन अलग अलग होता है,
लेकिन एसिड फोर्स मेडिसिन जो है हेयर लॉस कॉस्टली आप यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज है मास्टरबेशन में भी हेयर लॉस, मास्टरबेशन में भी आप एसिड फोर्स बहुत बढ़िया से दे सकते हैं। बस ये सब जो पॉइंट बता दिए, एक खुराक लेने के बाद खुद पता चलता है कि दवा में कितनी अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप अपने नज़दीक के फिजिशियन जा करके संपर्क कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे होम्योपैथिक में दवाई का हजार फर्स्ट उसका साइन उसको देखने से पता चलता है कि एसिड फोर्स का पेशेंट है, क्या है क्या है, सारा चीज का आकलन करना पड़ता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली तो इतना आप जान जाए कि एसिड फोर्स है, हेयर अगर झड़ रहा है, बाल उजला हो रहा है तो एसिड फोर्स में, और उसमें चिंता भी आप कर रहे हैं कि मेरा बाल झड़ रहा है तो एसिड फोर्स बहुत कम होता है। सेक्स में कमजोरी मास्टरबेशन के बाद एसिड फोर्स बहुत ही बेटर काम करता है। ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।